हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिश लवर। और आज आप लोगों का नई वीडियो स्वागत है। मौली फिश की बच्चों की रहने की जगह करेंगे चेंज। इस डब्बे में से डालेंगे उस टब में, और आप लोग बच्चों का साइज देख सकते हैं कितना ज़्यादा सही बढ़ रहा है। और इसमें से उसमें डालेंगे तो वो तो और भी बड़ा है, तो उसमें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो वो रहा टब, उसमें डालेंगे, और जो उसकी फिश है उनको डालेंगे इसमें। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम बच्चों को निकालते हैं नेट की मदद से। तो ये देखो, एक बार में कितने ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, कम से कम 30 से 40 बच्चे एक बार में आ गए हैं। तो ये देखो 5 से, इनका साइज भी देखो कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो इन्हें डाल दिया मैंने इस मग में, और भी बच्चे रह गए हैं उसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो उन्हें भी निकालते हैं हम, तो इन्हें भी जल्दी से निकालते हैं हम नेट की मदद से। एक बच्चा फंस गया, उसे निकाल दिया, और इन बच्चों को निकालते हैं हम जल्दी से। और आप लोग ये जरूर बताना कमेंट में, ये जो हीटर लगा हुआ है, क्योंकि अब तो मौसम सही रहने लगा है, इसे हटा दिया जाए या लगा के रखा जाए अभी भी। अगर आप लोग बताओगे तो मैं ज़रूर हटा दूँगा। कमेंट में आकर जरूर बताना आप लोग। तो इन बच्चों को भी निकाल दिया, इस बार भी कम से कम 20 से 25 बच्चे आए हैं इसमें, और ये 2 बच्चे रह गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं हम बड़ी आसानी से। इन सारे सारे बच्चों को मैंने निकाल लिया है बाहर। और आपको मेरी आवाज़ कुछ बैठी बैठी लग रही हो, क्योंकि मुझे जुकाम है इसके कारण। तो एक बच्चा नहीं, बच्चा सारे सारे बच्चे को निकाल लिया है मैंने। और ये रहे सारे सारे मग में बच्चे, इसलिए कम से कम 50 से 60 बच्चे हैं। और आपको सिर्फ 15 दिख रहे होंगे जो ब्लैक ब्लैक हैं, वरना इसमें सफ़ेद और लाल कलर, 3-4 कलर के बच्चे हैं। तो जल्दी से जो डब्बे वाले हैं उसमें पानी मैंने भर लिया, और जो बड़ी फिश हैं उन्हें हम नेट की मदद से डाल देंगे इसमें। तो ये देखो, इस एक बार में ही 3 फिश पकड़ ली मैंने, 3 से 4 पकड़ लिए हैं। एक और बच्ची है, उसे ही पकड़ लेते हैं गोल्ड फिश। तो ये भी आ गई, उसे भी पकड़ लिया हमने। तो इसको जल्दी से अपनी जगह पर रख देते हैं हम। तो चलो इसको रखते हैं पहले। तो इसे हमने रख दिया, अब करेंगे जो मौली फिश के बच्चों को रखने का सही जगह है उसे साफ। तो ये देखो कितना ज़्यादा गंदा है, गंदा पानी है इसका, तो इसे करेंगे जल्दी जल्दी हम साफ। तो 2-3 पानी से मैंने इसे धोया, 2 से 3 बार, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी गंदा है इसका। और आप लोग ये जरूर बताना कमेंट में, आप लोग हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं, या हमारे चैनल पे नए नए हैं तो अगर चैनल पे नए हो तो अपना नाम जरूर बताना, और चैनल करना सब्सक्राइब। और मैं सुबह सुबह 7 बजे अपने सब्सक्राइबर को देखता हूँ, जो भी 7 बजे सब्सक्राइब करेगा, 7 से 8 के बीच मैं उन्हें उस टाइम देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, उन्हें मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोग कोई कमेंट भी करते हैं तब भी, तो इसका पानी भर चुका है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इसमें छोड़ेंगे हम बच्चों को, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है सारे के सारे बच्चे, इन्हें छोड़ते हैं हम आराम से धीरे धीरे। और इसमें छोड़ने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चों को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, और इनका साइज भी जल्दी बढ़ेगा और तेज़ी से। तो इन्हें सारे को मैंने छोड़ दिया है, तो इन्हें भी बिना किसी देरी के अब मैं रखता हूँ इन्हें इनकी जगह पर जहाँ पर ये रखे हुए थे। तो चलो इसे लेके चलते हैं हम। तो इसे बिना किसी देरी के रख देते हैं हम इसकी जगह पर जल्दी से। तो इसे मैंने रख दिया है, और इसमें से कुछ स्टोन भी कम कर देंगे हम, जिससे कि जो बच्चे हैं वो आपको क्लियर दिख सकें कि उनका साइज कितना ज़्यादा बढ़ चुका है या बढ़ रहा है। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना इसमें मैं प्लांट लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो इसे मैंने रख दिया, अब लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि बच्चे कैसे दिख रहे हैं। तो इसमें स्टोन भी थोड़े कम करेंगे हम। तो ये देखो दोस्तों, मैंने स्टोन थोड़े से कम कर दिए हैं, और आप लोग बच्चों को देख सकते हैं अब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इसमें, और ये कैसे इसमें पूरे में घूम रहे हैं, इसे पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस में छोड़ दिया, कितने छोटे जगह में थे अब, और अब कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जगह में आ चुके हैं ये। और अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक आ ही चुके हो तो वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट में अपना नाम जरूर बताना, और ये भी बताना आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था दोस्तों, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। और ये है जो, और ये मेरा मेन फिश टैंक है, और ये इसमें छोड़ी मैंने बड़ी पसंद। तो बाय।